अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरां श्री स्मृति प्राणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तिदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीचिद्घनगणेशाय नमो मह्यं सुकन्नित्यं सप्रकाशं व्यापकं नाम रूपयो अधिष्ठानं बुद्धिबोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्वनिर्मलम् अपारं सर्वेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परं महः तदेवाहन्नमत्वन्यदिति मे निश्चिता मतिः। तो सकल त्रिपुटी भान समय साक्षी भानम अवश्यम भवति इति निरूपणम। कि साक्षी का भान तो जब भी कोई भी ज्ञान प्राप्त होता है, जब भी त्रिपुटी पता चलती है, तभी साक्षी का ज्ञान भी अवश्य होता है। अस्य अमर्था, तो जो संक्षेप किया उसका विस्तार कर रहे उदाहरण लेकर। अयम घटः इति ज्ञाने, जब भी ज्ञान होता है कि ये घट है, अयम घट, हाँ ये घट है, तो उस ज्ञान में क्या कहते हैं, इति ज्ञाने साभास अंतःकरण वृत्तिया घटमात्रम प्रकाशते। तो घट मात्र, अयम घट कि ये घट है, केवल घट प्रकाशित हो रहा है। तो क्या कहते हैं, जब ये केवल घट प्रकाशित हो रहा है उसमें क्या ज्ञान हो रहा है, कहते हैं कि अंतकरण की वृत्ति है, घट घट वृत्ति जो है, घट मात्र प्रकाशित हुआ, अयम घट माने घटाकार वृत्ति है। तो घटाकार वृत्ति जो है वो अंतकरण की जो वृत्ति है, उस वृत्ति से घट केवल प्रकाशित हो रहा है, और उसमें अंतकरण वृत्ति में आभास तो है, चैतन्य का प्रतिबिंब हुआ है, इसलिए साभास आभास है ना, सहवर्तते साभास सहभौरी, क्या है वो अंतकरण, अंतकरण की वृत्ति, अंतकरण ही अंतकरण की वृत्ति। तो अंतकरण से वृत्ति ही अंतकरण वृत्ति ही, और आभासेन सह वर्तते इति साभासा साभासा, अंतकरण वृत्ति क्या हो, साभासा स्त्रीलिंग में, तो वही वो कर्मधार में साभासा अंतकरण वृत्ति हो जाएगी। तृतीया में साभासा अंतकरण वृत्त्या घटमात्रम प्रकाशते। तो जैसे पहले कहा कि साक्षी चैतन्य तो कभी भी सब जगह होता ही अवश्य, वृत्ति में तो अंतकरण की वृत्ति में तो प्रकाशित होगा, उसी को आभास कहते हैं। तो जब भी ये घट है करके ज्ञान हो गया, ये घट है बाहर जो दिख रहा है ये घट है, फिर उसके बाद क्या है कि ये घट मैं जानता हूं, ये जब पता चलता है घटम हम जानामि, ये घट है और ये घट मैं जानता हूं, दोनों में भेद है। तो घटम अहम जानामि इत्यत्र तू, यहाँ पे क्या है कि अहम आ गया, पहले तो कि अयम घट में अहम प्रकाशित नहीं हो रहा था, अहम नहीं दिख रहा था, बिना अहम तो अयम घट ऐसा ज्ञान भी नहीं होगा, क्योंकि अहम मुख्य अर्थ क्या है उसका, साक्षी चैतन्य है। किंतु जब ये अयम घट ऐसा वाक्य, या तो विचार में जो वाक्य आया, वाक्य बोला नहीं, शब्द जो शब्द बोध हो रहा है कि अयम घट ऐसे, जब ही सुनते हैं या कोई कह देता है या हम ही सोच रहे हैं, तभी जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, अयम घटः, यही उसका आकार है, इसीलिए घट केवल घट मात्रम प्रकाशित करके कह दिया, अहम तो हम प्रकाशित नहीं हो रहा ऐसे लगता है, और घटम अहम जानामि, यहाँ पर क्या कि अहम तो है, तो घट विषय हो गया। अयम घट में देखिए घट ही वाक्य का कर्ता तो घट है, अयम घटः ये क्या है, घट है, तो अयम ये जो है ये ज्ञात अंश है, अयम ये है, कुछ तो है, ये तो सबको पता है, ये यह, और घट जो है ये अज्ञात अंश जो जो विधेय है, तो विधेय है कि ये घट है, ऐसे वाक्य में प्रतीत होता है। ये अगर सोच है, अगर दिख रहा है, तो क्या है कि प्रत्यक्ष है, तो वाक्य नहीं है, शब्द बोध की बात नहीं करें, परंतु मैं बता रहा हूं कि शब्द शब्द का प्रयोग किया है यहाँ पे, इसीलिए अयम घट, इससे क्या समझ में आता है, प्रत्यक्ष ज्ञान है कि ये घट है, शाब्द ज्ञान नहीं है, प्रत्यक्ष है कि ये घट है, तभी अंतकरण में घटाकार वृत्ति बन रही है, वो आभास के सहित है।
और यहां पर क्या कह रहे हैं कि घटम हम जानामि में इत्यत्र तो अहम इति शब्दस्य अर्थः यः यः ज्ञाता, कि घटक को जो जानता है वो उसमें बैठा हुआ है, वो भी क्या है कि प्रत्यक्ष ज्ञान ही है। घटम अहम जानामि ये भी क्या है कि प्रत्यक्ष हो रहा है, मुझे पता है कि मैं जानता हूं, किसी और के कहने की आवश्यकता नहीं है, तो मुझे प्रत्यक्ष है, तो ये अपरोक्ष ज्ञान है। घटम अहम जानामि इत्यत्र तु अहम इति शब्दस्य अर्थः, अहम का अर्थ क्या है कि यह ज्ञाता, प्रमाता जो है, जो घट ज्ञाता है, घट इति यह ज्ञेय, घट क्या है, ज्ञेय प्रमेय हो गया, ज्ञेय ज्ञान का विषय हो गया, और जानामि ये जो क्रिया है यहाँ पे इति यत घट विषयकम ज्ञानम, इसमें जो ज्ञा धातु में जो भाव उसका ज्ञानम माने भावे व्युत्पत्ति से ज्ञान जो है वो घट विषय का ज्ञान है। इत्येतत् त्रयमपि त्रिपुटी रूपम साक्षी प्रकाशयति इति, तीनों क्या है कि साक्षी प्रकाशित करता है, अहम जो है ज्ञाता, घट जो ज्ञेय है, और जानामि में जो घट विषय का ज्ञान है माने प्रमाण। तो ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान, कहीं प्रमाण कहीं प्रमा ऐसे भेद भी कर सकते हैं, क्योंकि घट विषय का ज्ञान क्या है, ये प्रमा है, प्रमा है, या ज्ञान करके कहेंगे भ्रम भी हो सकता है, तो भ्रम और प्रमा साधारण उसको ज्ञान करके कह रहे हैं। और ये क्या है कि करण नहीं है, तो कहीं करण लेते, कर्ण को लेकर, या तो ज्ञान को लेकर त्रिपुटी बनाते हैं। तो इत्येतत् त्रयमपि त्रिपुटी रूपम साक्षी प्रकाशयति, वृत्ति रूप जो ज्ञान है, जो ज्ञाता है कि मैं जानता हूं, देखिए घटम अहम जानामि में अहम पता है कि नहीं है, अहम का मुख्य अर्थ पता नहीं होगा, पर मैं कौन हूं ये सबको पता है, तो इसीलिए अहम का प्रकाशित तो कभी भी अहम तो कभी प्रकाशित ही है, और घट ज्ञान में प्रकाशित हो रहा है, और घट मैं जानता हूं उसमें ज्ञान भी प्रकाशित हो रहा है, इसीलिए तीनों जो प्रकाशित हो रहे हैं इसके कारण हो रहे हैं, चैतन्य के कारण हो रहे हैं, तो इसीलिए कहते हैं कि इत्येतत् त्रयमपि त्रिपुटी जो है, ये त्रिपुटी में तीनों अंश जो है, त्रिपुटी रूप जो है वो साक्षी प्रकाशित, उसको साक्षी प्रकाश देता है, साक्षी चैतन्य, क्योंकि ये वृत्ति रूप जो ज्ञान है, घट जो है, और अहम में जो अहम, ये ज्ञाता रूप जो है अंतकरण, देखिए ज्ञाता कौन है, अंतकरण अवच्छिन्न चैतन्य कहेंगे, चैतन्य किंतु अंतकरण अवच्छिन्न चैतन्य, उसमें आभास हो जाता है, जो तो प्रतिबिंबित रूप है, प्रतिबिंब रूप है जो है, प्रतिबिंब आभासवाद में प्रतिबिंब नहीं कहते, आभास कहते, तो आभास माने चैतन्य जैसी जिसका भास होता है, माने चैतन्य चैतन्य से भिन्न मानते हैं, प्रतिबिंबवाद में प्रतिबिंब को बिंब से भिन्न नहीं मानते, एक ही है, किंतु आभास करके यहाँ पे साभास अंतकरण का है, तो साभास अंतकरण जो है वो ज्ञाता है, और साभास अंतकरण वृत्ति जो है वो क्या है, वो ज्ञान है, तो वृत्ति भी जड़ है और अंतकरण भी जड़ है, तो अंतकरण में जो आभास हो रहा है, चैतन्य का आभास हो रहा है, वस्तुतः चैतन्य ही है, ऐसे आभासवाद में कहेंगे कि आभास हो रहा है, मिथ्या है, तो अगर मिथ्या है तो वो भी जड़ है, और जो घट है तो जड़ ही है, उसमें तो कोई भेद है ही नहीं, वाद में कोई भेद है नहीं, घट तो जड़ है, सबके लिए जड़ है, सभी दर्शन में जड़ है, तो घटक जो ज्ञेय है वो जड़ है, ज्ञाता जड़ हो गया, उसमें चैतन्य का आभास हो रहा है, और ज्ञान जो है वो वृत्त्यात्मक होने से, अंतःकरण का परिणाम होने से वो भी जड़ ही है, तो त्रिपुटी में तीनों जड़ है वस्तुतः, और अंतःकरण वृत्ति और विषय तीनों में अगर साक्षी चैतन्य का प्रकाश नहीं होगा, प्रतिबिंब नहीं होगा, तो ज्ञान ही उत्पन्न नहीं होगा, इसीलिए क्या कह रहे हैं कि इत्येतत् त्रयमपि त्रिपुटी रूपम साक्षी प्रकाशयति इति, साक्षी चैतन्य ही प्रकाशित करता है, और प्रकाश होने से क्या हो जाता है, जहां भी प्रकाश होता है भ्रांति क्या होती है कि वही प्रकाश रूप है, सूर्य का प्रतिबिंब दर्पण पे हो गया तो लगता है कि देखिए कैसे चमक रहा है दर्पण, तो दर्पण नहीं, दर्पण दूर से तो दर्पण करके पता नहीं चलता, ये लगता है प्रकाश ही है, वैसे ही क्या है कि वृत्ति भी, जैसे वृत्ति में जान आ गई, ज्ञाता में जान आ गई, घट प्रकाशित हो गया तो घट जैसे प्रकाश रूप ही है, ऐसे भान होता है, घट में तो वैसे नहीं होता, किंतु घट मैं हूं करके कभी भ्रांति होती नहीं है,
पर वृत्ति जो है वहां पे बुद्धि में जो वृत्ति हो रही है कि अरे मुझे समझ आ गया, ये कठिन विषय है वो समझ में आ गया, विषय अगर कठिन है समझ में आ गया तो लगता है कि अरे मैं बहुत बुद्धिमान हूं, तो वहां पे बुद्धि के साथ जो तादात्म्य संबंध हो जाता है वो इसके लिए हो जाता है क्योंकि वृत्ति में प्रकाश हो जाता है, आभास जो है प्रतिबिंब जो है उसमें भ्रांति हो जाती है, तादात्म्य संबंध हो जाता है कि मैं ही बुद्धिमान हूं करके। और ज्ञाता में तो वैसे भी है, ज्ञाता में अंतकरण में वहां पे प्रकाश हो जाता है, अंतकरण में अगर चलन होता है ऐसे लगता है कि मैं ही चल रहा हूं, और उसी का शरीर में भी प्रकाश होकर शरीर तक जाकर शरीर भी जब भी स्थूल शरीर भी जब भी चलता है ऐसे लगता है कि मैं ही चल रहा हूं, यही भ्रांति है। तो ये तादात्म्य संबंध है। हाँ कोई प्रश्न था? सॉरी, यहाँ पे जब अपन त्रिपुटी रूपम साक्षी प्रकाशयति इति जो बोलते हैं, साक्षी बोलते हैं, तो मेरे को एक डाउट ये आ रहा है कि साक्षी में भी चिदाभास भी जड़ हो जाएगा, तो वी हैव टू से हियर साक्षी एज अ चैतन्यम और चिदाभास। साक्षी कभी भी आभास नहीं होता, प्रतिबिंब नहीं होता, साक्षी का आभास होता है। साक्षी का मुख्य अर्थ नहीं, साक्षी कौन है? देखिए साक्षी और चिदाभास में क्या अंतकरण, क्या भेद बनाया पहले लक्षण देखिए, शुरुआत में वही देखा था। विशेषण जब भी हो जाएगा अंतकरण तभी क्या कहेंगे, जीव कहेंगे, जीव उसमें, और वही चिदाभास है, चिदाभास सहित अंतकरण, चिदाभास चिदाभास सहित अंतकरण को जीव कह रहे। और साक्षी क्या है, जब भी विशेषण नहीं होगा अंतकरण क्या उपाधि होगा तभी उसको साक्षी कहेंगे। तो उपाधि से भेद बनाएंगे, एक ही चैतन्य जो है ब्रह्म ईश्वर, उसमें और जीव में भेद कैसे करेंगे, अंतकरण को लेकर करेंगे, और साक्षी में कैसे भेद करेंगे, साक्षी भी भिन्न भिन्न है, क्योंकि पहले हमने आक्षेप देखा था पहले और दूसरे अध्याय में, क्या आक्षेप देखा था, पूर्व पक्षी कहता है कि साक्षी अगर एक ही होगा तो सुख दुख का मिश्रण हो जाएगा, क्योंकि अंतकरण में सुख की जो वृत्ति होती है वो सिद्धांती क्या कहता है कि जैसे प्रातिभासिक स्थल में किसी को सर्प दिख रहा है किसी को भूचित्र दिख रहा है, तो उसके लिए क्या कहा कि वो अंतकरण की वृत्ति नहीं अविद्या वृत्ति है, उसको साक्षी प्रकाशित करता है। अभी जो भूचित्र देख रहा है वो साक्षी प्रकाशित जो कर रहा है उसको, और जो सर्प देख रहा है उसको जो साक्षी प्रकाशित करके कर रहा है, उन दो साक्षियों में भेद तो करना पड़ेगा, उन दोनों साक्षियों में वो नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा अगर साक्षी भिन्न नहीं है। वैसे ही सुख दुख, सुख का और उसको लेकर फिर प्रातिभासिक स्थल का उदाहरण लेकर सुख दुख में भी कहते हैं कि सुख किसी को सुख हो रहा है किसी को दुख हो रहा है, और सुख और दुख को साक्षी प्रकाशित कर रहा है। साक्षी में अगर भेद नहीं कर पाएंगे आप, एक ही होगा साक्षी, तो सुख और दुख का मिश्रण हो जाएगा, ये आक्षेप था। उसका समाधान क्या कहा कि साक्षी को उपाधि को, साक्षी का भेद भी उपाधि को लेकर करते हैं, तो जिसको अंतकरण उपाधि है, अंतकरण तो भिन्न भिन्न है इसीलिए अंतकरण की उपाधि भिन्न भिन्न है, और उपाधि भिन्न होने से एक ही चैतन्य में भेद कर कर ये एक साक्षी ये दूसरा साक्षी करके भेद करेंगे। किंतु ऐसे भेद करने पर भी जीव जो भिन्न है अंतकरण सहित आभास सहित अंतकरण, जो अंतकरण भिन्न होने से जीव भिन्न हो गए, वैसे साक्षी भिन्न नहीं होते, क्योंकि उपाधि से जो भेद होता है वस्तुत तो भेद नहीं, हो कल्पित तो भेद है, व्यवहार के लिए चर्चा के लिए कर रहे हैं भेद। किंतु जीव में जो भेद है वहां पे भी भेद है नहीं वस्तुता, किंतु सांसारिक है जीव, साक्षी सांसारिक संसारी नहीं है, जीव संसारी है और साक्षी संसारी नहीं है, साक्षी तो मुक्त है नित्य मुक्त है, तो ये भेद करेंगे। इसीलिए क्या है कि चिदाभास नहीं है साक्षी, साक्षी का आभास होता है उसको चिदाभास के, साक्षी माने साक्षी चैतन्य, चिदाभास को चैतन्य कोई नहीं कहता, चैतन्य का प्रतिबिंब कहता है तो आभास कहता है, तो उसमें भेद है, ठीक है, वास्तव भेद नहीं है पर प्रक्रिया में भेद करते हैं, किंतु साक्षी और चैतन्य में कोई भेद नहीं, साक्षी माने साक्षी चैतन्य ही, साक्षी चैतन्य, साक्षी का अर्थ क्या है, साक्षी चैतन्य ही अर्थ है, कहीं भी साक्षी शब्द आता है वो साक्षी चैतन्य ही अर्थ है, तो साक्षी चैतन्य प्रकाशित करता है, जिसको अंतकरण की उपाधि अंतकरण को ही प्रकाशित करता है, अविद्या की उपाधि अविद्या को भी प्रकाशित करता है, वृत्ति की उपाधि वृत्ति को भी प्रकाशित करता है, फिर स्थूल शरीर की उपाधि बन जाएगी क्योंकि अंतकरण उपाधि बन गई, तो अंतकरण आगे चलकर अंतकरण जैसे जड़ था पहले, अभी
ऐसे लगता है कि उसमें प्रतिबिंब हो गया, तो वही चैतन्य रूप ऐसे लगता है, जो भान होता है, भ्रम होता है, उसी भान को लेकर अंतःकरण कहाँ पर है, शरीर में, शरीर से जुड़ा है, उनमें भी तादात्म्य संबंध हो जाता है, और शरीर में भी ऐसे लगता है कि चैतन्य फैल गया है। इसीलिए कह के स्थूल शरीर तो जड़ है, जड़ है, फिर भी यहाँ पे कुछ अगर चोट लग गई तो लगता है कि पीड़ा है, क्यों, क्योंकि चैतन्य रूप है। नाखून को काटने से, बाल को काटने से दुख पीड़ा नहीं होती, किंतु यहाँ पे अगर कहीं कट गया तो पीड़ा होती है, क्यों, क्योंकि चैतन्य वहां तक प्रकाशित हो रहा है, वहां पे तादात्म्य संबंध बन गया अंतःकरण द्वारा, अविद्या द्वारा, पहले जो कारण शरीर है, उसके बाद सूक्ष्म शरीर में प्रतिबिंबित हो गया, सूक्ष्म शरीर द्वारा वहां पे तादात्म्य संबंध बन गया, और उसके बाद क्या है कि उसको लेकर, अविद्या, कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर को लेकर, अंतःकरण को लेकर, फिर स्थूल शरीर में भी तक फैल गया, स्थूल शरीर में भी तादात्म्य संबंध बन गया, वो जो अः स्थूल शरीर है, तो कारण स्थूल और कारण सूक्ष्म और स्थूल शरीर, तीनों शरीर में तादात्म्य संबंध एक एक करके बन जाता है। वैसे तो हाँ, ये हो गया। इति त्रिपुटी रूपम साक्षी प्रकाशित, त्रिपुटी रूप में जो है तीनों, ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान, उन सबको, ये द्वितीय है, उसको साक्षी प्रथमा में है, ये प्रथमा विभक्ति, ये प्रकाश देता है, प्रकाशयति। ज्ञाता ज्ञेयम् ज्ञानम् चेत्येत त्रयमपि त्रिपुटी इत्युच्यते। तो ज्ञाता ज्ञेयम् ज्ञानम् कहिए तो ज्ञान को लेकर, फिर उसको कौन सा ज्ञान है, चक्षुर इंद्रिय जन्य है, तो फिर उसमें भेद करेंगे, विशेष बताएंगे, या प्रमाता प्रमेय प्रमाण करके भेद करेंगे, या प्रमा भी कहेंगे कहीं, चेत्येत त्रयमपि त्रिपुटी इत्युच्यते। इत्थमेव सर्वत्र निखिल त्रिपुटी प्रकाशकः साक्षी एव। इसीलिए जहां भी ज्ञान उत्पन्न हो रहा है वहां पे तीन अंश तो बन जाते हैं, क्योंकि जो जिसको ज्ञान हो रहा है, जिस विषय का ज्ञान हो रहा है, और ज्ञान ज्ञान मात्र, ये तीनों क्या है, त्रिपुटी है, तीनों तो कहीं भी होते हैं। अगर कोई दिखाई दे रहा है तो देखने वाला, जो दिख रहा है विषय, और देखने का ज्ञान, जो दिख रहा है ये ज्ञान, तो विषय जो ज्ञेय बनेगा, और ज्ञान जो उत्पन्न हुआ है ज्ञाता का, जो जान रहा है उसका विषय के साथ संबंध हो जाने पर इंद्रिय द्वारा, तस्मात सकल हाँ, साक्षी, साक्षी है, तो सबका प्रकाश है, साक्षी है त्रिपुटी, त्रिपुटी का। यदि साक्षी स्वयं अज्ञाता स्यात् तदा त्रिपुटी ज्ञानम न साक्षिणा जायेत। अभी साक्षी क्या है, साक्षी अगर स्वयं नहीं पता है, साक्षी का अगर कुछ भी ज्ञान नहीं है, कुछ तो अंश पता होना चाहिए साक्षी का, कि साक्षी प्रकाश रूप है, ये अगर नहीं पता है, अज्ञात है, संपूर्णतया अज्ञात है, तो क्या होगा, तदा त्रिपुटी ज्ञानम न साक्षिणा जाए। अगर मुझे, मैं कौन हूं, मैं जीवित हूं या नहीं हूं, ऐसे ले लीजिए कि मैं हूं नहीं हूं, जीवित हूं नहीं हूं, जड़ हूं या अजड़ हूं, ये अगर नहीं पता, अगर मैं चैतन्य रूप हूं, अगर नहीं पता, तो दूसरे को चैतन्य नहीं दे पाऊंगा, सत्ता नहीं दे पाऊंगा। अगर मैं सदरूप नहीं हूं तो दूसरे को कैसे सदरूप दूं, सद गुण दूंगा या सद धर्म दूंगा, सद्धर्म। तो मुझ में तो वो ज्ञान, इतना ज्ञान तो होना चाहिए कि मैं हूं सत्ता और चैतन्य रूप हूं, ये भी पता होना चाहिए, तो उतना तो ज्ञात है ही। इसीलिए कहते हैं यदि साक्षी स्वयं अज्ञातः स्यात्, अगर स्वयं साक्षी को स्वयं ही मैं कौन हूं यही नहीं, अगर नहीं पता, तदा त्रिपुटी ज्ञान न साक्षी ना जाए, तो उसे पहले तो क्या है कि अपना ज्ञान होगा तब जाकर दूसरे का ज्ञान होगा, अपना ही ज्ञान नहीं हो तो दूसरे का ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि इतना तो पता चल जाता है कि मैं जानने वाला मैं हूं, कोई ऐसे तो नहीं कहता कि अरे ये तो मैं विषय हूं, कोई मैं घट हूं करके नहीं सोचता, घट को जानने वाला हूं करके उसको समझ आती है, तो उतने समझ आने के लिए भी उसको चैतन्य रूप होना पड़ेगा, तो इसीलिए कहते हैं चैतन्य रूप होना पड़ेगा, और चैतन्य हूं ये पता चलना चाहिए, इसीलिए वो भेद कर पा रहा है जड़ और अपने में। तस्मात सकल त्रिपुटी ज्ञान दशायाम साक्षी ज्ञानम अपि अवश्यम जायते एव स्वयं प्रकाशत्वात् साक्षिणः। और ये
दूसरे को प्रकाश, ज्ञान रूप प्रकाश इसलिए दे पा रहा है क्योंकि ये स्वयं प्रकाश रूप है, स्वयं प्रकाश रूप है। इसीलिए कहते हैं सकल त्रिपुटी ज्ञान दशा, जहां पे भी किसी भी ज्ञान अवस्था में त्रिपुटी तो बन जाती है और त्रिपुटी का भान भी हो जाता है, और त्रिपुटी का भान साक्षी से ही होता है। और इसीलिए क्या है कि साक्षी ज्ञान के बिना, साक्षी का संपूर्ण नहीं पता होगा कि साक्षी ब्रह्म से अभिन्न है, इस ज्ञान की बात नहीं कर, पर साक्षी चैतन्य भासित हुए बिना, माने बिंब भासित हुए बिना प्रतिबिंब हो ही नहीं सकता। बिंब प्रकाश रूप नहीं होगा तो उसका प्रकाश रूप से प्रतिबिंब नहीं बनेगा। और यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो प्रक्रिया समझाई उसमें घटक ज्ञान पटक ज्ञान हो या प्रातिभासिक स्थल में सर्प ज्ञान भी, जो वृत्ति को प्रकाश दिए बिना नहीं होता, तो प्रकाश रूप चैतन्य होना पड़ेगा, उस वृत्ति में उसका प्रतिबिंब होना ही पड़ेगा। इसीलिए क्या है कि प्रतिबिंब को जानता हूं क्योंकि अपन अपने आप को नहीं जानता हूं, ये नहीं कह सकता। कोई जब भी दर्पण भी देख रहा है कि मेरा मुख कैसे दिखता है, दर्पण देख रहा है किंतु मुख दूसरा जैसे दिखता है वैसे दर्पण में दिखता है, इसीलिए स्वयं नहीं देख सकता, इसीलिए दिखता है दर्पण में। पर दर्पण में जो देख रहा है उसे देखते समय ऐसे भ्रांति नहीं होती कि कौन है, उसे पता होता है कि मैं ये मैं ही हूं। अगर कोई अरे ये क्या हो गया, कल जैसे दिखता था वैसे नहीं दिखता, अगर वैसे दिख गया तो फिर अरे यहाँ पे क्या हो गया, वहां पे क्या हो गया, ऐसे क्या है कि ये कब हो सकता है, जब ही स्वयं जानता है कि मुझे ऐसा दिखना चाहिए। तो ये साधारण उदाहरण दे रहा हूं, पूर्ण संपूर्ण तो ये कह ही नहीं सकते क्योंकि इसके लिए दूसरा उदाहरण है ही नहीं, कि साक्षी चैतन्य जो है ये मैं अपने आप को हूं नहीं हूं, कि निद्रावस्था में नहीं हूं अभी, ये सब ज्ञान रहता है, इस पर कोई विचार नहीं करता और विचार किए बिना भी पता रहता है, क्योंकि ये कोई करण द्वारा सिद्ध नहीं है कि मैं हूं, अस्तित्व मेरा करण द्वारा सिद्ध नहीं है, और चैतन्य स्वरूप जो मेरा है वो करण द्वारा सिद्ध नहीं है, अपना स्वरूप स्वरूपतया ही ज्ञात है। किंतु क्या है कि जब ही ज्ञात है तभी उसके साथ अविद्याकृत शरीर के साथ तादात्म्य संबंध के साथ भी ज्ञात है, इसीलिए क्या है कि मिश्रण हो रहा है, इसीलिए शुद्ध स्वरूप शुद्ध रूप में ज्ञात नहीं है, शुद्ध स्वरूप के साथ कुछ मिश्रण हो गया। जैसे सात्विक, कोई कहते हैं कि सात्विक है, यार ये तो सात्विक है, इसमें तो कोई तमस गुण नहीं है, तमोगुण है ही नहीं, अगर कहते कोई, अर्थ क्या हुआ कि प्राधान्य न करके कहते हैं प्रधानतया सत्व है। अगर कोई को किसी को देखते, अरे बहुत ही गऊ है करके कहते हैं, गो सदृश, गो है नहीं, गाय जैसे हमारे, कि कहते हैं कि क्रूरता नहीं है, कि साधारण है, माने अपना काम करते हैं अपने आप ये रहते, दूसरे की मदद करते इतना इत्यादि, इसको क्या कहते हैं कि सात्विक गुण है। और ये भी कहते हैं उसमें कोई तमोगुण है ही नहीं, तमोगुण है नहीं माने शून्य है, ये अर्थ नहीं है, अगर वैसा होगा तो निद्रा ही नहीं आएगी, सो नहीं पाएगा, तो सोते समय तो तमस तो भगवान को भी होता है, तो मनुष्य को तो है ही, पर प्राधान्य ने जो है वो प्रकट करते हैं। वैसे ही क्या है कि जो प्रधान ये है कि मिश्रण हुआ है, सत्व के साथ तमस का भी मिश्रण हुआ है, फिर भी सत्व प्रधान है तो सात्विक करके ही कहेंगे, वैसे ही जब भी चैतन्य के साथ जड़ का तादात्म्य संबंध हो गया तभी चैतन्य तो चला नहीं जाता, तो जागृत अवस्था में बाकियों का मिश्रण है, इसलिए श्रुति भी समझाते इसमें सुषुप्ति लेकर समझाती है, मांडुक्य हो या बृहदारण्यक हो, वहां पे भी स्वरूप तो सुषुप्ति को लेकर चर्चा करते, स्वरूप की चर्चा, क्योंकि वहां पे ऐसा नहीं है कि चैतन्य बाकी इसमें नहीं है, चैतन्य आनंद नहीं है, किंतु चैतन्य और आनंद अगर सुषुप्ति, केवल सुषुप्ति नहीं किंतु स्वप्न और जागृत अवस्था में भी होते हुए भी उसकी चर्चा वहां या विचार उतना सहज नहीं हो पाता, इसीलिए सुषुप्ति का उदाहरण देते, क्यों, क्योंकि मिश्रण अधिक है वहां पे, केवल आवरण नहीं विक्षेप भी है, स्वप्न में और जागृत अवस्था में अधिक क्या है, विक्षेप है, आवरण तो है विक्षेप भी है, इसीलिए मिश्रण होने से कठिन होता है, इसीलिए श्रुति पहले सुषुप्ति का उदाहरण देती है, उसके बाद उसका विचार तो जागृत में ही करना है,
और अधिक जागृत में इतना कर लेंगे तो स्वप्न में भी चलेगा वो, जो अधिक करते हैं जागृत में वही वही स्वप्न आता है, क्योंकि संसार संस्कार बैठ जाते हैं, उसकी वासना बैठ जाती है। वैसे ही क्या है कि जप करेंगे तो अजप जब भी हो जाता है तभी स्वप्न में भी होता है, ऐसे ही जब भी जो विचार करना है वो तो जागृत में ही करना है, किंतु सुषुप्ति का आनंद लेकर जो स्वरूप है वो लेकर करना है। इसीलिए यहाँ पे जब भी साक्षी त्रिपुटी को प्रकाशित कर रहा कह रहे हैं, तभी साक्षी का प्रकाश रूप होना भले ही उसके साथ मिश्रण हुआ हो बाकियों का, उपाधि करके नहीं समझ रहे हम, ये नहीं सोचते रहे इसकी अंतकरण की उपाधि है, अंतकरण को विशेषण लेकर ही चलते हैं, क्योंकि मैं मनुष्य हूं ये उपाधि बन गई है, उपाधि बन गई पर मैं विशेषण के रूप में सोच रहा हूं, तो शास्त्र उसको उपाधि के रूप से देख रहा, मैं उसको सीखना चाह रहा हूं, किंतु जब सीख रहा हूं तो मैं प्रमाता हूं, प्रमाता हूं तो प्रमाता साक्षी नहीं है, साक्षी से भिन्नता करेंगे, इसीलिए उसको अंतकरण, उसके लिए अंतकरण विशेषण बन चुका है, उसी को लेकर मैं प्रमाता हूं ये लेकर ही मैं विचार कर रहा हूं, विचार करने वाला तो जो विचार करता है वही प्रमाता ही ज्ञाता है, इसीलिए उसके लिए विशेषण है अंतकरण का। तो साधक जो है वो तो जीव ही है, और ब्रह्म अभिन्न होने से भी, साक्षी से अभिन्न होने से भी अंतकरण की उपाधि नहीं है, उसके लिए अंतकरण विशेषण ही है। वैसे होते हुए भी जो शुद्ध साक्षी है, जो मेरा स्वरूप है, उसका जब मैं विचार कर रहा हूं तभी प्रमाता रूप में भी जब भी मैं अपने आप को जानता हूं कि मैं प्रमाता हूं, ये प्रमेय है और मुझे ज्ञान क्यों उत्पन्न हो गया है, प्रमा उत्पन्न हो गई है, ये जब भी सोचता हूं तभी साक्षी जो उन तीनों को प्रकाशित कर रहा है जो मेरा स्वरूप है, उसको मैं किसी अंश में तो जानता ही हूं, चैतन्य रूप में तो जानता हूं, क्योंकि अगर वो नहीं जानता तो बाकी सब जड़ ही है, तो वो जड़ ही रह जाते, और बाकी तो जड़ रह जाए कोई, चलिए कि ज्ञान जड़ रह जाए या ज्ञेय जड़ रह जाए तो उसमें कोई दोष नहीं दिखा सकता, किंतु त्रिपुटी में एक अंश जो है ज्ञाता, जो मैं अपने आप को मानता हूं, वो तो जड़ नहीं है और वो जड़ हो नहीं सकता, इसीलिए उसमें चैतन्य साभास सहित अंतकरण जो कहते हैं, वहां पे आभास तो चैतन्य का ही है, इसीलिए मैं अपने आप को चैतन्य रूप जो हूं उसको अंतकरण के साथ मान रहा हूं, इसीलिए क्या है कि मैं चैतन्य रूप हूं ये बिना आभास के ही मुझे पता है, किसी इंद्रिय द्वारा नहीं पता है, मुझे पता है स्वरूप पता है, भले ही उसमें विचार नहीं किया, विचार सिद्ध नहीं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, तस्मात सकल त्रिपुटी ज्ञान दशायाम साक्षी ज्ञानमपि अवश्यम जायते एव, क्यों, क्योंकि हेतु देते स्वयं प्रकाशत्वात् साक्षिण, साक्षी कितना भी आवृत हो जाए किंतु जो आवरण है उसको भी साक्षी प्रकाशित करता है। देखिए घट पे जब ये आवरण डाल रहे हैं, हमने कपड़े का जो उदाहरण देखा था पहले, कपड़े काले कपड़े से ही ढक दीजिए घट को, घट को ढक दिया तो घट और अंधेरा है, बाहर अंधेरा है, तो घट जो अंधेरे में काले कपड़े से ढका हुआ है वो घट नहीं दिखता, काला कपड़ा भी नहीं दिखता। अभी सोचिए घट को हटाकर आपने वहां पे कोई प्रकाश रूप बल्ब रख दिया, या घट के अंदर सोचिए कि घट के अंदर दीप है और फिर काला कपड़ा डाला, तो काला कपड़ा जो दिख रहा है वो अभी दिख तो रहा है काला कपड़ा, बाहर से अगर प्रकाश नहीं हो पर अंदर से प्रकाश है, और उतना प्रकाश है जितना कि कपड़ा दिख जाए, तो काला कपड़ा जो आवरण डाल रहा है दीप पर, वो दीप पर आवरण डालने वाला आवरण भी उसी के कारण दिख रहा है, दीप के कारण ही दिख रहा है, वैसे ही चैतन्य जो ढका है, अज्ञान जो चैतन्य का है, उस अज्ञान की मैं अपने आप को नहीं जानता हूं ये भी क्यों जानता हूं, उस अंश में भी चैतन्य है, उसमें भी ज्ञान है, कि देखिए अज्ञान का जो ज्ञान है वो भी ज्ञान है, अज्ञान जड़ है और अज्ञान का ज्ञान जो है वो चैतन्य प्रकाशित कर रहा है, इसीलिए मैं अपने आप को नहीं जानता हूं करके कोई कह रहा है वो भी ज्ञान है, तो इसको हटा नहीं सकते, चैतन्य को आप हटा ही नहीं सकते, जिसको हटा नहीं सकते वही साक्षी है, तो इसीलिए क्या कह रहे हैं कि वो स्वयं प्रकाश है, स्वयं प्रकाशत्वात् साक्षिणः, तो ये स्वयं प्रकाशत्व तो को हटा ही नहीं सकते, जब ये उसको अज्ञान से ढक देंगे आवरण कर देंगे तो भी नहीं हटा सकते, कुछ भी कर ले कुछ अंश तो प्रकाशित होगा ही होगा, पूरा तो नहीं हटा सकते, माने कभी भी पूरा अंधेरा हो ही नहीं सकता, इसीलिए बृहत में
उसपे जो भी चर्चा करते हैं उसमें वही है कि चर्चा होती है, तो प्रसिद्ध है कि ये प्रकाश कैसे दिन में कैसे दिखता है। पूछते हैं कि दिन में कैसे दिखता है, सूर्य के प्रकाश से दिखता है। रात में कैसे दिखता है, चंद्र के प्रकाश से दिखता है, वो भी सूर्य से ही प्रतिबिंबित है। फिर कहते हैं कि अगर वो भी ढल जाए तो कैसे दिखता है, माने अमावस्या है तो कभी दिखता कैसे कैसे दिखता है, तो कैसे दिखता है माने कैसे प्रत्यक्ष ज्ञान, कोई भी ज्ञान कैसे होता है। तो कहते हैं कि देखने के लिए इसका प्रयोग करते हैं कि कुछ है प्रकाशित होने के लिए किसका, फिर अग्नि का प्रयोग करते हैं। अच्छा अग्नि भी नहीं है तब क्या होता है, शब्द का प्रयोग करते हैं। कोई कहता है अरे अंधेरे में कुछ दिख रहा है, टॉर्च है, बैटरी चली गई, सेल चला गई, तो क्या कहते हैं अरे यहां पर हूं, यहाँ पे आवाज आवाज सुन रहे हो, यहाँ पे आ जाओ, तो आवाज से प्रकाशित होता है, शब्द है तो शब्द से होता है। वो भी नहीं है स्वप्न में, स्वप्न में शब्द कोई बुला नहीं रहा है, तो क्या होता है अपने द्वारा ही होता है। तो इसीलिए कहते हैं आंख बंद करते ही तो ये प्रकाशित होता है। सूर्य को नहीं देखना चाहता कोई, आंख बंद दिखाओ सूर्य दिखाओ, आंख बंद करो नहीं दिखता, किंतु सूर्य नहीं दिखता इसीलिए मैं अपने आप को नहीं देख रहा हूं, ऐसा नहीं है। तो सूर्य इसीलिए क्या कहते हैं आगे चलकर फिर कहते हैं स्वप्न जिससे देखते हो, स्वप्न ने इसके विषय भी नहीं होते, जागृत विषय नहीं होते, स्वप्न विषय भी नहीं होते, स्वप्न में भी सूर्य नहीं होता, चंद्रमा नहीं होते, अग्नि नहीं होती, शब्द नहीं होता, तभी भी किस कैसे कैसे प्रकाशित होता है, सुषुप्ति में चैतन्य से होता है। इसीलिए उसको लेकर जिससे सुषुप्ति में का आनंद का प्रकाश होता है कि मैं था वस्तुतः, वो स्मरण कर सकते हो आप अनुभव होने के कारण सुषुप्ति में, जिससे स्वप्न का प्रपंच प्रकाशित होता है, जिससे जागृत में सूर्य का भी प्रकाश प्रकाशित होता है, वही चैतन्य स्वरूप मैं हूं करके गृहधारणिक में अंततोगत्वा उसका निर्धारण करते। तो यहां पे स्वयं प्रकाशित तो हटा ही नहीं सकते क्योंकि स्वयं स्वयं ही प्रकाशित होता, माने ये कर्म नहीं बनता कभी भी, किंतु जो चैतन्य है वो चैतन्य अपने आप को प्रकाशित नहीं करता, किंतु जिसको दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं है और दूसरों को प्रकाशित करता है, ये अर्थ है स्वयं प्रकाशित का, नहीं तो कर्तृकर्म विरोध हो जाएगा। तो स्वयं प्रकाश स्वरूप है साक्षी का, आत्मा का, चैतन्य का, इसीलिए साक्षिणः स्वयं प्रकाशत्वात् साक्षी ज्ञानम अपि अवश्यम जायते, कदा जायते सकल त्रिपुटी ज्ञान दशाया, कभी भी त्रिपुटी का ज्ञान होता है तभी साक्षी का ज्ञान अवश्य होता ही है, इति अभ्युपेयम, यह तो मानना ही पड़ेगा। इसीलिए जो अभी पूर्व पक्षी जो प्रक्रिया से उत्तर दो कि सर्प ज्ञान की निवृत्ति कैसे होगी बिना अधिष्ठान ज्ञान के, जो साक्षी ज्ञान है साक्षी चैतन्य उसके ज्ञान से, तो कहते हैं साक्षी सर्प का ज्ञान जो भ्रम है उसकी निवृत्ति हो जाएगी। कैसे होगी, रज्जु ज्ञान से होगी। कैसे होगी, रज्जु ज्ञान होते समय क्या है कि रज्जु विषय है, रज्जु ज्ञान है, ज्ञेय और ज्ञान बन गया वहां पे, और जो ज्ञाता है मुझे हो रहा है ऐसे लेकर त्रिपुटी हो गई, त्रिपुटी का भान हो रहा है, त्रिपुटी का भान सकल त्रिपुटी ज्ञान दशा में क्या होता है, साक्षी ज्ञान भी अवश्यम जायते, साक्षी ज्ञान भी उत्पन्न हो गया, और साक्षी चैतन्य ज्ञान उत्पन्न होने से सर्प ज्ञान के अधिष्ठान के ज्ञान की उत्पत्ति हो गई। उससे क्या है कि सर्प ज्ञान जो अध्यस्त है ज्ञानाध्यास की भी निवृत्ति युगपत हो जाएगी रज्जु ज्ञान से, और रज्जु अर्थ रज्जु में जो सर्प अर्थ का अध्यास हो गया उसके निवारण के साथ ही सर्प ज्ञान का निवारण हो गया, जो ज्ञान अध्यास है उसका भी निवारण हो गया। अनेन च, इसीलिए कहते हैं अनेन च साक्षी ज्ञान ने सर्प ज्ञान निवर्तते, इसीलिए साक्षी ज्ञान त्रिपुटी ज्ञान से उत्पन्न हो गया, रज्जु ज्ञान के समय पर त्रिपुटी ज्ञान हो गया, उससे क्या हो गया साक्षी ज्ञान भी हो गया, इसीलिए सर्प ज्ञान चला जाएगा, क्योंकि सर्प ज्ञान किसमें अध्यस्त है, साक्षी चैतन्य, साक्षी ज्ञान माने साक्षी चैतन्य, साक्षी चैतन्य का ज्ञान तो साक्षी चैतन्य में अध्यस्त है, इसीलिए उसका भी निवारण हो जाएगा। उक्त रीत्या सर्पादि मिथ्या विशेष तज्ञान से च पृथगेव अधिष्ठानम इति अभ्युपगम पक्षे इयन त्याक्षेप समाधानानि संभवन। तो क्या कहते हैं उक्त रीत्या, जैसे कहा गया सर्पादि मिथ्या विशेष तज्ञान से च, मिथ्या विषय जो है सर्प अर्थाध्यास जो है और उसका ज्ञान अध्यास सर्प ज्ञान जो है उसका क्या पृथगेव अधिष्ठानम इति अभ्युपगम पक्षे,
तो अगर उनके अधिष्ठान को भिन्न माने दोनों के, सर्प अर्थ का और सर्प ज्ञान के अगर अधिष्ठान को पृथक माने, भिन्न माने, तो पृथक एव अधिष्ठानम इति अभ्युपगम पक्षे, वैसे पक्ष में क्या होगा, इयंत्याक्षेप समाधानानि संभवन्। तो ये भिन्न होने से भी बतला दिया कि उसका उत्तर भी दे दिया, भिन्न जो मानते हैं उसके लिए भी उत्तर ऐसे प्राप्त हो गया, ऐसे समाधान दे सकते हैं। समाधान बहुवचन है इसीलिए समाधानी समाधानानि संभवन, संभव है करके कह रहे हैं। आगे मिथ्या सर्पस्य तज्ज्ञानस्य च अधिष्ठानम साक्षी एव इति निरूपणम्। तो अभी क्या है कि भिन्न अधिष्ठान मानकर कह दिया कि जो बाहर सर्प है उसका अधिष्ठान अधिष्ठान चैतन्य क्या है, रज्जु अवच्छिन्न चैतन्य, वो साक्षी चैतन्य जो सर्प ज्ञान का अधिष्ठान है, दोनों में दोनों भिन्न है। ये कैसे, उसके लिए समाधान भी दे दिया कि उसमें प्रक्रिया कैसे चलेगी। अभी क्या कहते हैं, मिथ्या सर्प जो है और मिथ्या सर्प का ज्ञान जो है, उन दोनों का अधिष्ठान साक्षी ही है। अभी ये पक्ष समझा रहे कि साक्षी ही है, ये कैसे होगा। तो कहते हैं मिथ्या सर्पस्य तज्ञानस्य च पृथक अधिष्ठानत्व पक्षे दोषात् तयोः एकमेव अधिष्ठानम् इति इदानीं निरूप्यते। तो समझा तो दिया किंतु कुछ दोष है उसमें कि नहीं होगा, नहीं संभव है करके अगर पूर्व पक्षी कहेगा, क्योंकि दोनों अधिष्ठान भिन्न है, ऐसे कैसे होगा, एक अधिष्ठान से दूसरे अधिष्ठान का ज्ञान कैसे हो जाएगा। तो वहां पे अधिष्ठान का ज्ञान कैसे हो जाएगा, कि कहा कि साक्षी का प्रकाश हो जाता है त्रिपुटी का प्रकाश होने से, प्रकाशक होने से। तो अगर उसमें भी अगर दोष है, तो कहते कि कुछ दोष तो हो सकता है किसी के दृष्टि में। तो कहते मिथ्या सर्पस्य तज्ञान से पृथक अधिष्ठानत्व पक्षे, अगर दोनों मिथ्या सर्प का और मिथ्या सर्प ज्ञान के अधिष्ठान अगर भिन्न होंगे तो कुछ दोष है, इसीलिए दोषात् तयोः एकमेव अधिष्ठानम् इति इदानीं निरूप्यते। दोनों एक ही सिद्ध करना चाहिए। तो वस्तुतः सिद्धांत तो यही है, एक जीववाद है या एक ही चैतन्य तो वाद है, ये तो सिद्धांत परम सिद्धांत है। तो वो बतलाते तत्र नहीं बाह्य रज्जु अवच्छिन्न चैतन्यम सर्पस्य तज्ज्ञानस्य च अधिष्ठानं भवति इति शक्यते वक्तुम्। तो क्या कहते, नहीं न शक्यते वक्तुम, न शक्यते ऐसा अन्वय होगा, क्या कह नहीं पाएंगे, कह नहीं पाएंगे, क्या नहीं कह पाएंगे। कहते तत्र जो उदाहरण दिया उसमें क्या है कि बाह्य रज्जु अवच्छिन्न चैतन्यम, जो बाहर रज्जु है बाहर है इसीलिए रज्जु अवच्छिन्न चैतन्य भी भारी होना चाहिए, और सर्प सर्पस्य तज्ज्ञानस्य च अधिष्ठानम्, सर्प का जो अर्थ अर्थाध्यास हो रहा है सर्प और तज्ज्ञान माने सर्प ज्ञान जो हो रहा है, उन दोनों का अधिष्ठान एक ही है ऐसे नहीं कह सकते करके पूर्व पक्षी आरोप कर रहा है। यावंति ज्ञानानि जायन्ते तानि सर्वाण्यपि प्रमातारं साक्षिणं वा आश्रित्य जायन्ते इति नियमः। अभी एक नियम बताते हैं, पहले क्या नियम है, जितने भी ज्ञान है यावंती ज्ञान, जहां जहां ज्ञान उत्पन्न हो रहा है उस सभी स्थल में जो ज्ञान उत्पन्न होता है वहां पे जायन्ते तानि सर्वाणि अपि, सभी ज्ञान क्या है प्रमातारम साक्षिणम व आश्रित्य जायन्ते इति नियम। या तो उसका आश्रय प्रमाता होगा या साक्षी होगा, जैसे व्यावहारिक ज्ञान उत्पन्न हो रहा है तो उसमें प्रमाता, क्योंकि प्रमाता कौन है, अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य, और साक्षी कौन है, माने प्रमाता माने अंतःकरण विशिष्ट चैतन्य, और साक्षी माने क्या, अंतःकरण उपहित चैतन्य, ऐसे भेद करेंगे दोनों। अभी क्या है कि दोनों प्रकाश रूप है, साक्षी वस्तुतः प्रकाश रूप है और प्रमाता कैसे प्रकाश रूप है, आभास सहित होने से साभास अंतःकरण हो गया वो। तो ये ज्ञान जहां उत्पन्न हो रहा है, अगर रज्जु का ज्ञान उत्पन्न हो गया सर्प का नहीं है तो भी क्या कहेंगे, वहां पे अंतःकरण वृत्ति बन रही है और बाह्य रज्जु देश में बन रही है, रज्जु तो वास्तविक है वहां पे, इसीलिए क्या है कि वहां पे अनिर्वचनीय उत्पत्ति नहीं कहेंगे, कि वहां पे माने अभी तो नहीं कहेंगे, आगे चलकर सिद्धांत में कहेंगे वो भी अनिर्वचनीय है। किंतु व्यावहारिक और प्रातिभाषिक भेद कैसे करेंगे, व्यवहार में रज्जु जो दिख रहा है, जिसके जिसका जिसकी सृष्टि कैसे हुई है, अनिर्वचनीय नहीं कहे, वहां क्या कहेंगे, अरे भगवान ने बनाया है, ईश्वर ने प्रपंच बनाया है, उसमें रज्जु ही बन गया उससे, क्योंकि पंचमहाभूत का कार्य है, पंचमहाभूत तो भगवान ने बनाया ईश्वर ने, इसलिए क्या कि रज्जु जो है
वो रज्जु बाह्य देश में वो देश भी भगवान ने बनाया, काल भी भगवान ने बनाया, इसीलिए वहां पे जो अंतःकरण जो भगवान ने बनाया है वो इंद्रियों द्वारा बाहर जा रहा है, इंद्रिय जो भगवान ने बनाया, ऐसे सोच कर कहेंगे कि वस्तुतः है व्यावहारिक सत्ता है, और जब ही इंद्रिय द्वारा अंतःकरण बाहर चला गया वृत्ति बन जाती है, वृत्ति व्याप्ति होती इत्यादि, और उसमें जो आभास जो बन गया प्रमाता जो है, प्रमाता के अंतक, क्योंकि प्रमाता कौन है, प्रमाता का एक अंश तो अंतकरण है, दूसरा आभास है चैतन्य का, तो ये जो अंतकरण है, अंतकरण विशिष्ट चैतन्य जो प्रमाता है वो अंतकरण तो भिन्न है, इसीलिए प्रमाता वहां पे अंतकरण जिसका पहुंच गया, प्रमाता का अंश पहुंच गया वहां पे, वो उसमें जो आभास बन गया चैतन्य का साभास जो है वो आभास प्रकाशित कर रहा है, किसको प्रकाशित कर रहा है, वृत्ति को प्रकाशित कर रहा है, रज्जु आकार वृत्ति को, तो वो हो गया व्यवहारिक स्थल में। और हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या देखा था, दो तीन पाठ में वही देख रहे कि साक्षी का प्रकाश प्रातिभासिक स्थल में होता है, तो सर्प कैसे भाषित हो जाता है, साक्षी अविद्या को, अविद्या की वृत्ति बनती है और उसको प्रकाशित कर रहा है, इसीलिए क्या प्रमाता या तो साक्षी को आश्रय का आश्रय लेकर व आश्रित्य जायन्ते जायन्ते कानि जायन्ते ज्ञानानि यावन्ति ज्ञानानि जायन्ते तानि सर्वाणि ज्ञानानि अपि साक्षी साक्षिणम या तो प्रमातारम आश्रित्य वा जायन्ते इति नियम, ये नियम है। तो दोनों जहां भी ज्ञान उत्पत्ति हो रही है वहां पे प्रमाता है या तो साक्षी है, माने चैतन्य है, चैतन्य का आभास है माने चैतन्य है, बिना चैतन्य के तो आवास नहीं बनेगा, इसलिए चैतन्य आवास कहेंगे तो भी चैतन्य है, और साक्षी कहेंगे तो चैतन्य, साक्षी का अर्थ ही चैतन्य, इसीलिए क्या है कि चैतन्य तो है ही है, या तो प्रमाता द्वारा है या तो साक्षी ऐसे शब्द द्वारा है, उपाधि द्वारा। तस्मात बाह्य रज्जवच्छिन्न चैतन्यम न सर्प ज्ञान से आश्रय भवितुम अर्हति। तो अभी पूर्व पक्षी का अगर तस्मात बाह्य रज्जो अवच्छिन्न चैतन्यम न सर्प ज्ञान से आश्रय भवितुम अर्हति, ये नियम है रज्जु, क्योंकि रज्जु जहां प्रकाशित हो रही है, रज्जु सर्प नहीं रज्जु, वहां पे आप क्या कहते हैं कि वहां पे प्रमाता है, और सर्प ज्ञान जहां उत्पन्न हो रहा है वहां पे आप प्रमाता नहीं, प्रमाता की चर्चा नहीं कर रहे, किसकी चर्चा कर रहे, साक्षी भाषित कर रहा करके कह रहे, तो वैसे भी सिद्धांत में भी भेद होना चाहिए। पूर्व पक्षी क्या कहता है, बाह्य रज्जो अवच्छिन्न चैतन्य जो है और सर्प ज्ञान का आश्रय जो है वो, उसमें भेद होना चाहिए, क्योंकि एक तो बाहर है, साधारण तर्क लगाएं तो क्या बाह्य रज्जो है, रज्जो बाहर है, और सर्प ज्ञान का है, सर्प ज्ञान अंतकरण में हो रहा है भीतर है, ऐसे कहेंगे तो भी दोनों का आश्रय एक नहीं हो सकता, रज्जो अवच्छिन्न चैतन्य जो बाहर होना चाहिए और सर्प ज्ञान जो भीतर है उसका आश्रय एक ही नहीं हो सकता है, तस्मात न भवितुम न अर्हति। सर्पस्य तद विषय का भ्रम रूप ज्ञान से च अधिष्ठानम अंतकरण उपेत साक्षी चैतन्यम अभ्युपगमे शरीर से अंत एव अंतकरण प्रदेशे सर्पोपलब्धि ही अभ्युपगंतव्या स्यात्। क्या कहते हैं, अगर फिर भी आप अगर कहेंगे, क्या कहेंगे, नहीं, एक ही, दोनों एक ही सिद्धांत में तो हम एक ही मानते हैं, अगर ऐसे, अगर आप ऐसे तर्क करेंगे तो क्या कहते हैं कि सर्पस्य तद विषय का भ्रम रूप ज्ञान से च अधिष्ठानम, सर्प का और तद विषय का भ्रम रूप ज्ञान जो है माने सर्प ज्ञान, दोनों का अधिष्ठान क्या है, अंतकरण उपैत साक्षी चैतन्य, ऐसे अगर मान ले दोनों का माने सर्प जो अध्यस्त है अर्थ और सर्प ज्ञान जो है अध्यस्त, ज्ञान अध्यस्त, दोनों का अगर अधिकार अधिष्ठान आप एक ही साक्षी चैतन्य मानते हैं, रज्जुपेत चैतन्य को मानते ही नहीं, तब क्या होगा, कहते इत्यभ्युपगमे सति, ऐसे अगर मान ले तो शरीरस्य अंतः एव, क्योंकि साक्षी चैतन्य कहाँ पर है, साक्षी चैतन्य सर्प ज्ञान का अधिष्ठान अंतकरण की वृत्ति के का अधिष्ठान, अंतकरण जहां है वहां पे होना चाहिए, वृत्ति यहां बन रही है इसीलिए क्या है कि सर्प की वृत्ति तो भीतर बन रही है, इसीलिए क्या है कि उसका अधिष्ठान भी भीतर है, साक्षी तो बाहर नहीं, साक्षी यहां पर है करके आरोप लगा रहा है पूर्व पक्षी, कैसे साक्षी जो भीतर है अंतकरण प्रदेश है, सर्प उपलब्धि अभ्युपगंतव्य स्यात्, वहां पर ही अंत है वो, जहां पे साक्षी है भीतर शरीर के,
उसी प्रदेश में जहां पे अंतःकरण है वहां पे आपको सर्प की उपलब्धि होनी चाहिए। सर्प बाहर नहीं दिखना चाहिए, मन में ही दिखना चाहिए। पर सर्प जो भी दिखता है कहते बाहर है, ये तो पहले भी आया था, ये पक्ष आया था पहले, तो क्या कहते हैं ऐसे होना चाहिए, ऐसे मानना पड़ेगा आपको। अगर एक ही चैतन्य मानते हो तो उसी में अगर सर्प अर्थ भी अध्यस्त है और ज्ञान भी, तो ज्ञान तो मन में हो रहा है, ज्ञान नहीं कहते। आप देखिए, आप कहेंगे चैतन्य सब जगह है, वो मत बात कीजिए, कहता है पूर्व पक्षी। पूर्व पक्षी कहता है ज्ञान कहाँ उत्पन्न हो रहा है, बाहर हो रहा है कि अंदर हो रहा है? ज्ञान तो सिद्धांत कहेगा भीतर उत्पन्न हो रहा है। अगर ज्ञान भीतर उत्पन्न हो रहा है अंतकरण में और अधिष्ठान उसका साक्षी चैतन्य, तो साक्षी चैतन्य वहीं पर है, तो सर्प कैसे बाहर दिखेगा? सर्प भी अगर उसी में अध्यस्त होगा तो सर्प भी वहीं दिखेगा। सर्प का ज्ञान, अरे मैं जानता हूं सर्प ज्ञान उत्पन्न हो गया मुझमें उत्पन्न हो गया। सर्प मुझमें उत्पन्न होकर कोई नहीं कहता, सर्प तो बाहर उत्पन्न है करके कहता, उत्पन्न ही नहीं कहता, सर्प बाहर है कहता। इसीलिए उत्पत्ति भी अगर आप कह रहे तो वहीं पे होनी चाहिए, तो सर्प की दृष्टि भी वही होनी चाहिए। जैसे सर्प ज्ञान मुझे भीतर दिख रहा है, वैसे सर्प भी भीतर ही दिखना चाहिए, क्योंकि दोनों का अधिकरण एक ही है। अधिकरण तो एक ही होने से दोनों जगह पे नहीं होगा, एक ही जगह पे होगा। या तो अंदर मानो, और ज्ञान अंदर है इसीलिए अंदर ही मानना पड़ेगा। इसीलिए क्या है, अर्थ भी अंदर ही प्रकाशित होना चाहिए, न तो बाह्य रज्जु देशे, बाहर रज्जु जहां पर है वहां पे सर्प नहीं दिखना चाहिए। वस्तुतः रज्जु है वहां पे सर्प दिखता है, वो नहीं होना चाहिए। अंतर एव उत्पन्न सर्प माया बलेन बहिर अवभासते इति अंगीकारे आत्मख्याति मत सिद्धि प्रसज्जित। फिर पूर्व पक्षी क्या कहता है, अभी इसके आगे हम अगले पाठ में देखेंगे, पर पूर्व पक्षी क्या आरोप करता है, और एक इसमें दोष है जो अभी बाकी सृष्टि दृष्टिवादी जो है, वेदांती भी है, आक्षेप करते हैं विवरण पक्ष में, एक जीववाद में, दृष्टि सृष्टिवाद में, जो मुख्य सिद्धांत है वस्तुतः, उस पर आरोप क्या करते हैं, अरे आपकी तो आत्मख्याति हो गई। आत्मख्याति माने क्या, क्षणिक विज्ञानवाद। कैसे, वो कहते हैं देखिए, अंतः उत्पन्न सर्प, अगर आप कहें कि अच्छा ठीक है तो सर्प भी भीतर ही है, बाहर है ही नहीं, अगर मान ले, अगर आप कहें एक ही अधिकरण है ऐसे मानने से ज्ञान और अर्थ का अध्यास का, अगर आप कहें हाँ चलो ठीक है, क्या कहेगा सिद्धांती, हाँ इष्टापत्ति कहेगा, इष्टापत्ति करके मान ले तो और एक आक्षेप है, कहता है अंतः उत्पन्न सर्प, ये नहीं कह सकते कि हाँ सर्प भी अंदर ही है भीतर है, नहीं कह सकते आप। क्यों नहीं कह सकते, कहते माया बलेन हो रहा, अगर बहिरवभासते इति अंगीकार, सर्प तो है भीतर, अर्थ भी भीतर ही उत्पन्न हुआ है पर बाहर दिख रहा है, क्यों, माया बल से, माया शक्ति से दिख रहा है। ऐसे अगर कहेंगे कि हो सकता है अंदर है बाहर दिख रहा हो, भगवान कुछ भी कर, क्योंकि है सिद्धांत में कहते हैं माया सर्वस्य संभवात, कुछ हो गया, अरे माया में तो कुछ भी हो सकता है, माया जादू है, जादू में तो कुछ भी हो सकता है, वस्तुता नहीं है, जादू में हो सकता है कुछ भी, अरे उसने जादू कर दिया, इसीलिए तो कहते हैं उसी को जादू कहते हैं, जो हम साइंस इत्यादि से नहीं, सब विज्ञान से नहीं समझा पाते उसी को कहते हैं अरे जादू है यार, जादू है, जादू नगरी है, क्योंकि जो नहीं सोचा वो सब हो रहा है, स्वप्न में जैसे होता है कुछ भी हो जाता है, जादू ही है। उठकर कहता है कुछ तो जादू हो गया, पता नहीं क्या हो गया, क्या जादू चला दिया पता नहीं, क्योंकि क्या किया कैसे हुआ पता नहीं, उसी को जादू के। तो ये माया के एक ये भी अर्थ है, माया बले ने बहिरवभासते ऐसे कहेंगे इति अंगीकार है, तो क्या हो जाएगा, आत्मख्यात ख्याति मथ सिद्धि प्रसज्जित, फिर आप क्या हो जाएंगे, क्षणिक विज्ञान। तो इसीलिए क्या है कि भगवान शंकराचार्य को क्या आरोप लगाते हैं, द्वैती प्रच्छन्न बुद्ध, ये अरे आप तो बौद्ध मत ही वेदांत वेदांत करके कह रहे, वेद मत करके कह रहे हो, है नहीं ऐसा, है नहीं, क्योंकि आप तो माने बौद्ध मत दे रहे हो करके कह रहे, तो ये आक्षेप हो जाएगा। तो ये इसका खंडन इत्यादि ये अगले पाठ में देखेंगे। सुखं नित्यं स्वप्रकाशं व्यापकं नाम रूपे अधिष्ठानं बुद्धे बोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्व निर्मलं अपारं सर्ववेदांत वेद्यं प्रत्यक् परं महः तदेव अहन्नमत्वान्यदिति मे निश्चिता मतिः। नमस्ते, धन्यवाद। कोई प्रश्न है क्या, अगले पाठ में।